So let's discuss about 24th of February important current affairs leap year. जो 2020 है वो एक लीप ईयर है. इसमें 366 जो डेज होने वाले हैं. लीप ईयर में क्या होता है कि आपको 4 का डिवीज़न करना होता है. इसमें 100 का डिवीज़न, फिर 400 का डिवीज़न. इसने कुछ लॉजिक लगा रखा है तो पढ़ो तो ठीक, नहीं तो इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, नॉट अ बिग डील. नेक्स्ट चलते हैं. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, उसके तहत जो है कुछ कमेटी बनाई जा रही है. अब इस कमेटी में क्या होगा कि वुमेंस को और STSC के लोगों को भी इसमें मेंबर बनाया गया है, तो कुछ खास इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं. नेक्स्ट चलते हैं. उस्ताद स्कीम की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी द्वारा की जाती है. इसके तहत क्या है कि हुनर हाट किया जाता है. जैसे क्या होता है कि जो बेचारे आर्टिजन्स, जो छोटे मोटे जो भी व्यापारी छोटे मोटे होते हैं या जो कलाकार होते हैं, उनको जॉब वगैरह मिलती है. तो उस्ताद स्कीम जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि स्किल्स एंड मार्केट में जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं उनके ट्रेडिशनल स्किल्स जो होते हैं उनको मेंटेन किया जाता है. नेक्स्ट चलते हैं. पीएम किसान योजना की बात करें. पीएम किसान योजना या फिर इसमें जो भी है 6,000 रुपये जो है सालाना दिए जाते हैं 3 किस्तों के अंदर. तो किसान सम्मान निधि योजना जो है बेसिकली इसमें क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो आइडेंटिफाई करती है बेनिफिशियरीज़ को, क्योंकि सेंटर के पास ये पावर नहीं है कि भाई किसको पैसा देना है. तो अब इसमें क्या होता है कि जिसके पास 2 हेक्टेयर, ध्यान रखना एकड़ नहीं है, हेक्टेयर की ज़मीन है, इसके अलावा कुछ लोगों को पैसा नहीं दिया जाएगा. अगर कोई बंदा इनकम टैक्स पे कर रहा है या कोई इंजीनियर, डॉक्टर या कोई प्रोफेशनल है या किसी को 10,000 की पेंशन मिल रही है. तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे MTS या जो 4th क्लास के कर्मचारी है उनको पेंशन मिल रही है तो उनको दे देंगे, बट जो दूसरे हायर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनको नहीं देंगे. जस्ट लाइक दैट. महाराष्ट्र ने कुछ जल युक्त शिविर करके कुछ प्रोग्राम चलाया. इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, सेफली स्किप. खरीफ रबी और इनकी फसलें कौन कौन सी होती है आपको ध्यान में होनी चाहिए, कैन बी आस्क्ड. चीफ ऑफ एयर डिफेंस उसने कुछ मीटिंग ली है कि भाई आजकल क्या चल रहा है मार्केट में. अंडमान निकोबार के अंदर भारत की ट्राई सर्विस कमांड है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं, लोकल एग्जाम में, नॉट इन UPSC. नेक्स्ट चलते हैं. पाकी टाइगर रिजर्व्स जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, जिसको पाखुई भी कहते हैं, ये IAS में पूछा गया क्वेश्चन है. 2016 के अंदर इसको अवार्ड मिला था. हॉर्नीबिल एक पक्षी होता है जहाँ पे इसको प्रोटेक्ट किया जाता है. कामेग जो रिवर है उस इस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है. इसके अलावा यहाँ पे ऑर्चिड सेंचुरी भी बनाई गई है, सो इट्स काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट है ऋषिकुल्या जो है वहाँ पर उड़ीसा के कोस्ट के ऊपर बहुत सारे ऑलिव रेडली टर्टल्स पाए जाते हैं. ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो इतने इनको लेकर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सब जगह पाए जाते हैं, ये नॉट ए बिग डील. नेक्स्ट चलते हैं. रोहतांग पास कहाँ है भाई, पीर पंजाल हिमालय के अंदर, आपको ध्यान में होना चाहिए. चेनाब और ब्यास के आसपास है, तो यू शुड नो. सूरज कुंड कोई मेला होता है और ये हरियाणा फरीदाबाद में होता है, तो लोकल न्यूज़ है. नेक्स्ट चलते हैं. मलई महादेश्वर वाइल्ड लाइफ, इसके अंदर टाइगर पाए जाते हैं, तो टाइगर अथॉरिटी ने बोला है कि आने वाले समय में इसको टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा इन दी कर्नाटका. कर्नाटका में फिलहाल 5 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें नागरहोली है, बंद्रा है, तो आपको जायजे हैं कुछ चीज़ें याद हो तो अच्छी बात है. कोई स्नेल की नई प्रजाति है ये, तो इसको ये याद रखने की जरूरत नहीं है. अब कुछ चीज़ें जो हैं आपको याद होनी चाहिए, जैसे ये सीरिया है. सीरिया के अलावा जैसे ये इड लिब प्रोविंस और ये अलेप्पो करके कोई प्रोविंसेस है जहाँ पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो अभी पूछ सकते हैं आपसे कि भाई क्या ये सिटी कौन पे कहाँ पे पाई जाती है. ये कोई अवार्ड है अपने कोई लेना देना नहीं है, ये कोई कॉन्फ्रेंस अपने कोई लेना देना नहीं है. नहीं चलते हैं. लोकटक लेक फ्रेश वाटर की है ये, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी है, इंडिया की नहीं है ये, ठीक है. यहाँ फोमडिस पाए जाते हैं, फ्लोटिंग एक तरह की मतलब ग्रास होती है. किमलम लमजाओ नेशनल पार्क जो है वो यहीं पे भी है, और यहाँ पर एक एंडेंजर्ड शेंगर डियर मतलब हिरन टाइप का एक जानवर जो है पाया जाता है. IAS में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो एंडेंजर्ड है वो शेंगई. मणिपुर के अंदर ये फोमडिस वगैरह जो है, लेक वगैरह पाई जाती है फोमडिस जो भी है. ये रामसर साइड भी है, ध्यान रखना, क्लेम लमजाओ नेशनल पार्क. सो इसको मोंट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर भी ऐड किया गया है, सो यू शुड नो.
कन्वेंशन ऑफ जो माइग्रेटरी स्पीसीज है जिसे हम CMS कहते हैं, ये UNEP के अंदर कार्य करता है। बाकी अपेंडिक्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसकी अभी आगे और डिटेल देखेंगे। बंगाल का जो फ्लोरिकन होता है ये ऐसा दिखता है, ये एक्चुअली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नेटिव है, इंडिया में पाया जाता है, तराई और जो ब्रह्मपुत्र के जो फुटपल्स है वहाँ पर देखने को मिलता है, और ये CMS के अपेंडिक्स में भी ऐड किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बंगाल का क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट। हालांकि इंडिया में काफ़ी जगह पाया जाता है, नॉट इन बंगाल ऑल्सो। बायो जेट फ्यूल जो होता है उससे अभी कोई एरोप्लेन चलाया गया है, कहाँ से चलाया गया है ये लोकल न्यूज़ है वैसे। ये लेह, जैसे लेह लद्दाख है, लेह के अंदर कोई जगह है वहाँ से इसको टेक ऑफ किया गया है यूजिंग द बायोफ्यूल जेट। इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, वी कैन सेफली इसके, बट लोकल न्यूज़ है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ICJ है जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, और इसका अपन डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ खास दे भी नहीं रखा है पढ़ने लायक। नेक्स्ट चलते हैं स्टैटिक क्वेश्चन पे। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो है वो समुद्रगुप्त के बारे में अच्छी खासी जानकारी देता है, वेरी डिटेल एंड स्पेसिफिक। इसके अलावा गुप्ता जो राजा थे उसके बारे में भी ये जानकारी देता है, तो उन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी या पॉलिटिकल जो भी रिलेशन है उनके बारे में ये बताता है। यंग बंगाल जो मूवमेंट है वो हेनरी विवियन ने स्टार्ट करी थी, फ्रेंच जो से था ये विवियन बड़ा प्रभावित था, हालांकि ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल पाई थी क्योंकि उसका साथ किसी ने नहीं दिया था। हेनरी विवियन 1826 में हिंदू कॉलेज में पढ़ाता था और लिबर्टी इक्वालिटी और वुमन राइट एजुकेशन की बात किया करता था, पर उसका साथ जो है किसी ने भी नहीं दिया। नहीं चलते हैं, ये कोई सोशल कॉन्फ्रेंस है, ये कौन सा पर्सन कौन से है, सर्वेंट सोसाइटी एंड सोलोजी सबको ध्यान में होना चाहिए। भारत स्त्री महासभा कोई भारत की पहली जो है वुमन ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें सरला देवी ने इसको स्टार्ट किया था, तो ये थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। 1857 की जो क्रांति है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक रह गई थी, नीचे बाकी कहीं जगह फैली नहीं थी। रॉयल पेट्रोनेज जो है इस रिवोल्ट को मिला था, रॉयल पेट्रोनेज का मतलब है कि मुगल जो राजा था बहादुर शाह जफर, उसने 1857 की क्रांति में एक लीड रोल निभाने की कोशिश करी थी, हालांकि उसे कुछ हुआ नहीं था। तेग बहादुर जो था वो एक्चुअली बंदा बड़ा जोरदार था, नाइटहुड की उसको उपाधि मिली थी, हालांकि नाइटहुड की उपाधि कई लोगों को मिली पर उसको मिली है। तीनों राउंड कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, उसके वाले इंडियन आर्मी के ऊपर जो सोल्जर थे उस पर जो केस चल रहा था उनको छुड़ाने में इसने काफ़ी मदद की थी बंदे ने। इसके अलावा जो तेग बहादुर थे उनकी वायसराय के काउंसिल के मेंबर भी थे, वो लिबरल पार्टी के मेंबर थे या लीडर थे, गांधी जी वरिन में और पूना पैक्ट में उसने पार्टिसिपेट किया था खाली। नेक्स्ट चलते हैं, सार्क देशों के कौन कौन से मेंबर हैं, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है, सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या है कि जो इधर इधर साइड के जितने भी हैं मेंबर वो सब आते हैं, इधर के जो है ना इस साइड के ये मलेशिया वगैरह नहीं आते इसमें। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटीज का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है, कई बार पढ़ रखा है अपन ने, ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एन स्ट्रिप जो है वो अपन ने पढ़ी थी, एन स्ट्रिप्स वगैरह जो है वो टाइगर के ऊपर एक प्रोग्राम था, आई इसमें पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, ये कहाँ कहाँ कौन सा है, तो इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, वैसे भी याद नहीं रहने वाले कई बारी चीज़ें। CMS जो है वो UNEP में काम करती है, और पहली बार फर्स्ट टाइम जो है वो भारत में इसकी कॉन्फ्रेंस हो रही है। COP13 जो है वो गांधीनगर गुजरात में हो रहा है। थाई मूंग करके कोई फिश होती है, इसको मत नहीं खाना चाहिए ऐसा NGT ने बोला है, नॉट इम्पॉर्टेंट, जो लोग को खाना है वो तो खाएगा। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए सरकार ने एक नई स्कीम निकाली है, APIDA इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। इसमें क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है, प्रमोट करेगा ये। इसके लिए क्या है कि इकोनॉमिक अफेयर की कोई कमेटी है जिसका PM चेयरमैन होता है, उसने बताया कि जो बेचारे छोटे छोटे किसान होते हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसलिए सेंट्रल सेक्टर की एक स्कीम निकाली गई है जो कि इम्प्लीमेंट की जाएगी। SANDC और NABARD वगैरह ये तीनों मिलकर के इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद में क्या होगा कि एक क्लस्टर बेस्ड कोई बिजनेस वगैरह के मॉडल बनाया जाएगा ताकि किसानों को फ़ायदा हो सके, IT टेक्नोलॉजी वगैरह उसको दी जाए। इसके अलावा एक क्रेडिट गारंटी फंड भी बनाया गया NABARD के तहत, जो ताकि इस स्कीम को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये कोई फ्यूचर इंडेक्स है, ये अपने ये कोई पढ़ी रखी, कल पढ़ी थी अपने,
इसमें क्या होता है, स्टूडेंट की स्किल्स जो हैं वो कितनी डेवलप हैं एजुकेशन सिस्टम में उसके बारे में चर्चा की जाती है, तो अच्छी बात है। सो दिस इज़ हाउ आवर न्यूज़ फिनिश। थैंक यू।